ऐसी है इंडस्ट्री में, ऐसी रही इंडस्ट्री में कि
अपने दौर में तो उन्होंने मेन स्ट्रीम हीरोइन का काम किया, लेकिन बाद में जब उन्हें स्पॉटिंग रोल्स या कैरेक्टर रोल्स ऑफर हुए तो उन्होंने सीधे मना किया, सेइंग दैट फिल्म हीरोइन ही थे और हमेशा फिल्म हीरोइन के तौर पर ही याद रहना चाहेंगे। लेकिन जहाँ बात होती है वहीदा रहमान जी की, वहाँ जितना जिक्र आप उनके मेन रोल्स का करते हैं उतना ही जिक्र आप उनके कैरेक्टर रोल्स का भी कर सकते हैं, चाहे वो त्रिशूल में बच्चन साहब की माँ का रोल हो, या कभी कभी में उनकी वाइफ का रोल, दिलीप जी के साथ मशाल फिल्म हो, या फिर करेंट जनरेशन की फिल्म रंग दे बसंती हो या दिल्ली सिक्स हो। हमेशा अभिनय से जो उनका प्यार था वो बना रहा, और करेंट जनरेशन भी वहीदा जी की बहुत 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 बड़ी फैन है, ये मैं मेरे बिहाफ पे बता सकती हूँ। अगला गीत वहीदा रहमान जी के लिए है और खास गुरुदत्त जी के लिए है, जिनके साथ उनका कोलैबोरेशन हमेशा ऑडियंस को पसंद आया। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फिल्म्स एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, कागज के फूल, और ये अमर रचना लेकर आ रही है रसिका गनु जी। सब अपने अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं, ये गीत उस प्रकार का है।